मुहूर्त ट्रेडिंग और दिवाली वाले इस हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद शानदार रहा। इस महीने विदेशी निवेशकों की लगातार जारी बिकवाली पर ब्रेक लग गया है। निवेशकों की खरीदारी के चलते सेंसेक्स फिर से 80,000 के आंकड़े के पार चला गया है। बाजार में आई इस तेजी में बैंकिंग समेत सभी सेक्टर्स ने अपना योगदान दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी आज के सत्र में खरीदारी देखने को मिली है। बाजार बंद होने पर बीएसई सेंसेक्स 603 अंकों के उछाल के साथ 80,005 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 158 अंक चढ़कर 24,339 अंकों पर क्लोज हुआ है। बात करें चढ़ने और गिरने वाले स्टॉक्स की, तो बीएसई पर जिन 4,147 शेयरों की ट्रेडिंग हुई उसमें 2,565 शेयर तेजी के साथ बंद हुए, जबकि 1,424 में गिरावट रही। 158 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 25 स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए, जबकि 5 गिरावट के साथ क्लोज हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में 37 तेजी के साथ और 13 गिरकर बंद हुए। तेजी वाले शेयरों में ICICI बैंक 3.09%, JSW स्टील 2.68%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.66%, अडानी पोर्ट्स 2.57%, टाटा स्टील 2.43%, सन फार्मा 2.24%, HUL 2.11% की तेजी के साथ बंद हुआ है। गिरने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 1.30%, कोटक महिंद्रा बैंक 0.83%, टेक महिंद्रा 0.72%, HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक 0.46% और मारुति 0.14% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। बात करें निवेशकों की संपत्ति की, तो भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की खरीदारी के चलते निवेशकों की संपत्ति में उछाल देखने को मिला है। बीएसई पर लिस्टेड शेयरों का मार्केट कैप 441.54 लाख करोड़ रुपए पर बंद हुआ है, जो पिछला कारोबारी सत्र में 436.98 लाख करोड़ रुपए रहा था। यानी आज के सत्र में निवेशकों की संपत्ति में 4.54 लाख करोड़ रुपए का उछाल देखने को मिला है। वहीं बात करें आखिर में सेक्टोरल अपडेट की, तो आज के ट्रेड में बाजार में सभी सेक्टर्स के शेयर तेजी के साथ बंद हुए। बैंकिंग, फार्मा, FMCG, मेटल्स, IT और ऑटो सेक्टर्स के शेयर तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 0.83% और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.20% के उछाल के साथ बंद हुआ है। शेयर बाजार में इस शानदार तेजी के चलते बीएसई का मार्केट कैप 441.54 लाख करोड़ रुपए पर क्लोज हुआ है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।